या जो संस्कृति की बात होती है उसको अगर कैसे मजबूत किया जाए और कैसे सभी अखाड़ा समितियों में समन्वय हो। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपस में हम लोग उलझ जाते हैं, तो इस तरह की बैठकों से एक दूसरे के प्रति परिचय तो माता दुर्गा सामने साक्षात विराजित है, प्रतिष्ठित है और उनके समक्ष जब व्यक्ति को बोलना होता है या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो रहा, पत्रकार लोग कर रहे हैं, हम इस बात की चिंता नहीं है, ना किसी बात का भय है। विभाग की ढंग से कई ऐसे चेहरे हैं जो समय समय पर हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को देने का प्रयास किया। लोगों ने अपना तन मन धन देकर इतने बड़े हिंदू समाज को पूरे विश्व के मानचित्र पर रखा है। मैं अरुण सिंह, जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी समिति का अध्यक्ष। आज लगभग सैकड़ों समितियों ने यह जो निर्णय लिया है कि जमशेदपुर में एक मजबूत समिति का निर्माण हो और आज जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी समिति का निर्माण हुआ है और मुझे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से शहरवासियों को और सभी अखाड़ा समितियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा अपना माना है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जिला प्रशासन और समितियों के बीच मैं एक पुल का काम करूँगा और सभी समितियों को एक क्रम में पिरोने का काम करूंगा, यानी धागे का काम करूंगा और सभी समितियों को जो मोती के रूप में समितियां बाजार सब पूरे शहर में हैं सबको एक करने का काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से राममय होके रामनवमी होगा और शांतिपूर्व तरीके से विसर्जन होगा, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। जो पिछली बार घटना घटी थी अब ना घटेगी ना हम लोग घटने देंगे। स्वर्गीय मटलू पलवान अखाड़ा भैया डी ग्वाला बस्ती का मैं लाइसेंसी शाही अध्यक्ष, मेरा नाम कमलेश यादव और भैया डी ग्वाला बस्ती का आप देखिएगा तो प्रेसिडेंट भी हूँ। और एक बैठक जो रामनवमी के लेकर रखा गया था, कल हमें सूचना मिली क्या बैठक रामनवमी के लिए बुलाई गई है और उसी बैठक में हम आए और बहुत सकारात्मक तरीके से ये मीटिंग चली, जिसमें निर्णय भी हुआ, केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संरक्षक का चुनाव हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। और आगे चल करके और कमेटी में लोग बोले कि और कमेटी का गठित किया जाएगा, क्योंकि हम देखें कि सिद्ध घोड़ा जो इलाका है उस इलाका से इसमें कमेटी में नाम नहीं दिया गया है। तो हम ये चीज़ अरुण जी से चाहे अभय सिंह जी से मांग करेंगे कि सिद्ध घोड़ा से भी एक किसी को कोषाध्यक्ष चाहे कमेटी में नाम होना चाहिए और ये हर चीज हर क्षेत्र से एक ठोका नाम अनिवार्य है, यही हम अध्यक्ष और संयोग से संचालक से डिमांड करेंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। महापर्व चुनाव की तैयारी हो चुकी है और इधर रामनवमी भी उसी समय में है। पूरा देश प्रशासन, स्टेट पुलिस प्रशासन, कमेटी इस महापर्व की चुनाव की तैयारी एक साथ कर रही है और साथ ही साथ रामनवमी की भी तैयारी कर रही है। और इस बार का रामनवमी बहुत ही बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इस बार का चुनाव है, भारतवर्ष की चुनाव है। तो इसी विषय में रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर के तरफ से यह डिसीजन हुआ या समझौता हुआ, एक तरह का विचार हुआ कि अभय सिंह को संरक्षक, सुमन अग्रवाल जी को संरक्षक और इसके साथ साथ जो रामनवमी की समस्या है उसको निदान करने के लिए कमेटी का भी डिसाइड हुआ। तो अभय सिंह जी से बात करते हैं कि इस बार की जो कमेटी है क्या क्या समस्या को लेकर काम करेगी जो 2024 का रामनवमी के लिए। कोई भी समस्या हमारे पास नहीं है, हमारा काम है कि इस बार पूजा शांति के साथ सद्भाव के साथ हो,
जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो हमेशा होता रहता है। 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ और उस समय भी रामनवमी पड़ा। रामनवमी एक अलग विषय है, हमारे धर्म का मामला है, हमारी संस्कृति और संस्कार के मामले हैं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आदमी जब पूजा करता है तो धर्म होता है, धर्म होता तो संस्कृति होती है, संस्कृति होता संस्कार होता है, संस्कार होता तो विचार होता है, विचार होता है तो कार्य होता है। और जब कार्य हो अच्छे ढंग से होता है तो निश्चित रूप से कोई भी पवित्र कार्य जब आप करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं होती है। और इस बार का रामनवमी इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम 550 वर्ष के बाद में राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रतिष्ठापित हुए हैं और यह पहला रामनवमी होगा कि जिसमें भगवान राम की स्तुति राम जन्मभूमि बनने के बाद होगा। इसलिए पूरे देश में, केवल जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे देश में एक खुशी की और हर्ष की लहर है। और इस बार बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पूजा करेंगे और यहाँ पर लगभग 80 से अधिक अखाड़ा केवल 24 घंटे के अंदर आकर के समर्थन देकर एक मजबूत कमेटी बनाने का निर्णय किया। जमशेदपुर के इतिहास में पहली घटना है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारी बैठक आपके लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए चुनौती है। हमारा विषय है हम किस प्रकार पर्व मनाएं, किस प्रकार त्यौहार मनाएं, हमें आप सहयोग करें। और आप सहयोग करेंगे तो सकारात्मक भूमिका में कार्यक्रम आगे होगा। और हिंदू हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, अहिंसा का प्रतीक रहा है, वैभव का प्रतीक रहा है। और हिंदू जब सोचता है तो वही काम करता है। और जो पिछली घटना है उससे प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए। और वैसे लोगों से जो दिग्भ्रमित जिला प्रशासन को करते हैं वैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पूजा कमेटी के लोग आके जो निर्णय किए हैं यह निर्णय सकारात्मक है। और हम लोगों ने जिला अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से यहाँ पर श्री अरुण सिंह जी को जिला अध्यक्ष के रूप में चुना है, केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। और यह कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। पूरे 1 वर्ष रामनवमी से संबंधित समस्याओं से संबंधित, कहीं किसी प्रकार का अड़चन, सड़क की सफाई, नाले की सफाई, घाट की सफाई, सारी जिम्मेदारी ये जो कमेटी नई बनी है उस कमेटी के मार्फत काम होगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।